नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील जैन आज आप सभी को यहाँ पर व्याकरण शिक्षण की प्रमुख विधियों के बारे में बताऊंगा जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी हैं। और व्याकरण शिक्षण आदि जो भी शिक्षण विधियाँ हैं वह हमेशा प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। तो देखें यहाँ पर शिक्षण विधियाँ, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें जिससे कि आप सीधे अन्य वीडियोज से जुड़ पाएंगे। देखें व्याकरण शिक्षण की प्रमुख विधियाँ, तो यहां पर व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेन इति व्याकरणम्, यह व्याकरण की व्युत्पत्ति है। व्याकरण शब्द बी उपसर्ग पूर्वक आंग और क्री धातु से लुट प्रत्यय होने पर निष्पन्न होता है। देखें वेदों को जो कि जो व्याकरण है उसे वेदों का मुख कहा गया है। मुखम व्याकरणम स्मृतम, जो कि एक पंक्ति इस प्रकार से श्लोक के माध्यम से प्रसिद्ध है, जो कि मुख को क्या कहा गया है, जो वेदों का मुख कहा गया है व्याकरण को। इसका दूसरा नाम शब्दानुशासन है, शब्दानुशासन के नाम से जाना जाता है जो कि पाणिनि महोदय ने दिया है शब्दानुशासन नाम। अब देखें जो व्याकरण शिक्षण की प्रमुख विधि है वह आगमन विधि। आगमन विधि में क्या होता है, उदाहरणों के माध्यम से नियम का ज्ञान, पहले उदाहरण दिए जाएंगे उसके बाद में नियमों का ज्ञान दिया जाएगा। और क्या है विशेषता, तो विशिष्टों के अध्ययन करके, विशिष्टों का अध्ययन करके सामान्य का ज्ञान, विशिष्ट से सामान्य की ओर ले जाया जाएगा। प्रत्यक्षों के आधार पर प्रमाण स्थापित करना, पहले प्रत्यक्ष प्रयोग आदि दिखाए जाएंगे उसके बाद में प्रमाण तक ले जाया जाएगा। फिर सूक्ष्म से, सूक्ष्म तत्वों के आधार पर सूक्ष्म का ज्ञान यहां पर कराया जाएगा, सूक्ष्म तत्वों के आधार पर स्थूल तत्वों का ज्ञान यहां पर कराया जाएगा, स्थूल तत्व है यहां पर। देखें इसके उदाहरण, मतलब इसके जो शिक्षण सूत्र हैं वह देखें, तो उदाहरण से नियम की ओर जो यह विधि है यह उदाहरण से नियम की ओर जाती है, ज्ञात से अज्ञात की ओर जाती है, विशिष्ट से सामान्य की ओर और प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। इस प्रकार से इसके यह शिक्षण सूत्र हैं। यह स्वाभाविक और सरल विधि है, आधुनिक मनोवैज्ञानिक विधि है और व्याकरण शिक्षण की श्रेष्ठ विधि कही गई है। छात्रों में उत्साह होता है और छात्र सक्रिय रहते हैं, लेकिन इस विधि की प्रमुख विशेषता है कि जो शिक्षक होगा वह प्रशिक्षित होना चाहिए, बहुत टाइम से प्रशिक्षित हो, मतलब उसे बहुत लंबा एक्सपीरियंस हो जब ही वह इस विधि को अच्छे तरीके से पढ़ा पाएगा इस विधि के माध्यम से। अब देखें निगमन विधि जो कि प्रमुख विधि मानी गई है, इसमें शिक्षक पहले सामान्य नियम बताता है फिर उदाहरण देता है, मतलब यह आगमन विधि के बिल्कुल विपरीत है, बिल्कुल विपरीत मान लें आप, उल्टी मान लें। फिर इसमें समय व परिश्रम भी कम लगता है। और जो लैंडन महोदय थे इन्होंने इस विधि का परिशोधन किया था, यह प्रमुख बात है, लैंडन महोदय ने इस विधि का परिशोधन किया था। देखें आगे निगमन विधि के सोपान, इसके चार सोपान हैं, नियम बोधन, नियम स्पष्टीकरण, नियम परीक्षण और सत्यापन। इस प्रकार से यह चार इनके नियम हैं, इनके शिक्षण सूत्र देखें क्या है, तो कि उससे केवल विपरीत। देखें नियम से उदाहरण की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर और अज्ञात से ज्ञात की ओर, यह इनके शिक्षण सूत्र हैं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें जिससे कि आगे और जो शिक्षण विधियां हैं इसी से संबंधित सारी शिक्षण विधियों के बारे में अपन और भी अच्छे से पढ़ेंगे।